गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, धोरण 5 विषय हिंदी એની અંદર આજે આપણે કાવ્ય 16 પહેલિયા यानी કે ઉખાણા હા ઉખાણા તમે રમતા જશો કે આ રીતના આમ કરીએ તો આ થાય પછી એનો જવાબ આપવાનો હોય તો આજે આપણે ધોરણ 5 ની અંદર કાવ્ય 16 પહેલિયા ભણીશું તો કે પહેલી પહેલી કોણ સી હે ગોળ ગોળ ઘર હે મેરા એટલે કે ગોળ ગોળ ઘર છે મારું હર કમરે મે રસ જો હી મુંહ મે રખોગે હો જાઓગે મસ્ત हाँ ये मीठा मीठे मीठे का कुछ कहा गया है यहाँ पर हाँ हर कमरे में रस तो यहाँ पर कौन सा जवाब आएगा तो कि जलेबी जलेबी क्या होती है गोल गोल होती है फिर हर कमरे में उसका रस होता है दूसरी है धरती में मैं पैर छिपाता आसमान में सिर उठाता कि धरती के अंदर मैं पैर छिपा देता हूँ और आसमान में अपना सिर उठाता हूँ टिकता हूँ पर चल नहीं पाता पैरों से ही भोजन खाता टिकता हूँ मैं एक जगह खड़ा रहता हूँ लेकिन चल नहीं पाता और हर मैं पैरों से ही भोजन लेता हूँ तो क्या आएगा पैर वृक्ष वृक्ष आता है ना वो फिर तीसरा तीन अक्षर का नाम मेरा सिर के ऊपर मेरा स्थान अंत कटे तो पग बन जाऊं मध्य कटे तो पड़ी रहूं के क्या है तीन अक्षर का नाम है मेरा तीन अक्षर का नाम सिर के ऊपर मेरा स्थान हाँ सिर यानी माथू माथा ने ऊपर मारू स्थान छे अंत कटे तो पग बन जाऊं कि मेरा अंत कट जाए तो मैं पग बन जाता हूँ और मध्य कटे तो पड़ी रहती हूँ मध्य कटे तो मैं पड़ी रहती हूँ तो क्या होता है पगड़ी पगड़ी होती है ना देखो हमारे प्रधानमंत्री है ना वह दिल्ली के लाल किले में जब ध्वज वंदन करते हैं तब उनके सिर पर पगड़ी होती ही है तो आप लोगों को देखना है वो पहाड़ है पर पत्थर नहीं नदी है पर जल नहीं शहर है पर जीव नहीं जंगल है पर पेड़ नहीं क्या कहते हैं कि पहाड़ है पर पत्थर नहीं पहाड़ है पर पत्थर नहीं नदी है नदी ही दिखती है लेकिन उसमें जल होता नहीं है शहर है लेकिन जीव नहीं है शहर में रहने वाले को क्या होता है जीव होता है तो शहर है पर जीव नहीं जंगल है पर पेड़ नहीं जंगल खूब सारा होता है लेकिन पेड़ यानी वृक्ष नहीं होता तो क्या आएगा हमारा नक्शा हाँ नक्शा आता है ना वह कागज का घोड़ा धागे की लगा छोड़ दे धागा तो करे सलाम कागज का घोड़ा यानी कागज का घोड़ा होता है फिर धागे की लगाम छोड़ दे धागा तो करे सलाम तो क्या आता है अभी अभी हमारा ये त्योहार गया कौन सा तो के पतंग उत्तरायण का त्योहार गया ना तो उसमें पतंग होता है विद्यार्थी मित्रों हमने यहाँ पर यह पहेलियों की काव्य पूर्ण किया है तो आप लोगों को यह पढ़ना है अगले वीडियो में मैं इसका स्वाध्याय लूंगी